देश में भले ही कम आय वर्ग के लोगों की जेब में कोरोना के बाद से अब तक जरूरी रकम ना आ पाई हो, भले ही छोटी कारों और टू व्हीलर्स की बिक्री में गिरावट दर्ज की जा रही हो, लेकिन इसी दौरान लग्जरी प्रोडक्ट्स की बिक्री लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। आंकड़ों के मुताबिक एक साल में लग्जरी कारों की बिक्री 50% बढ़कर 37,000 यूनिट हो गई है। इसमें से 10,000 कारों की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा रही। मर्सिडीज बेंज ने सबसे ज्यादा 6,500 कारें बेची। 41,000 से महंगे स्मार्टफोन की बिक्री 2021 के मुकाबले 2022 में 55% तक बढ़ी। लाइफस्टाइल स्विस वॉचेस की बिक्री 2020 के 863 करोड़ से बढ़कर 2022 में 1,640 करोड़ रुपए रही। 55 इंच से बड़े अल्ट्रा एचडी टीवी की बिक्री 2021 के मुकाबले 95% तक बढ़ गई है। बचत और खर्च पर काम कर रही संस्थाओं ने हैरान करने वाली हकीकत साझा की है। उनके मुताबिक कोविड-19 और लॉकडाउन के असर से टॉप 20% आय वाले तबके पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है, इसीलिए ये वर्ग प्रतिबंधों के हटने और हालात सामान्य होते ही बाजार में जमकर लग्जरी उत्पाद खरीदने लगा। वहीं निचला 20% तबका अभी महामारी के सदमे से नहीं उबर पाया है और वो जरूरी सामान भी सोच समझ कर खरीद रहा है। उसे शौक से उभरने में 1 साल और लग सकता है, लेकिन इसके साथ ही अंदेशा है कि लग्जरी उत्पादों की बिक्री में ये तेजी की रफ्तार भी शायद कायम नहीं रहेगी। इसके अलावा कम आय वर्ग की पहली पसंद रहे सस्ते मोबाइल फोन की बिक्री भी घटी है। वहीं दोपहिया वाहनों की बिक्री भी कोरोना के बीतने के बावजूद प्री कोविड स्तर से पीछे है। निम्न आय वर्ग की खरीद क्षमता घटने का असर कई प्रोडक्ट्स की बिक्री पर देखा जा रहा है। टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, साबुन जैसे जरूरी सामानों की बिक्री में बढ़त या तो बेहद मामूली है या इसमें गिरावट आई है। अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में छोटे शहरों में टूथपेस्ट, नूडल्स और हेयर ऑयल जैसे FMCG उत्पादों की बिक्री में 0.2% की कमी रही। बड़े शहरों में ये बिक्री 4% तक बढ़ी है। 6 महीनों में ग्रामीण और कस्बों का बाजार 0.8% गिरा है। जनवरी 2020 के 13,40,000 के मुकाबले जनवरी 2023 में 13,18,000 दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई, यानी 3 साल में दोपहिया वाहनों की बिक्री नहीं बढ़ी है। वहीं 25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन की बिक्री में 15% की कमी आई है। यही नहीं, हाउसिंग मार्केट में भी अचानक से लग्जरी घरों की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में अगर कमजोर आय वर्ग की खरीद क्षमता को वापस पटरी पर लौटने में 1 बरस का समय लगेगा तो ये नीति निर्माताओं के लिहाज से चिंताजनक बात है।